चार बज गए और पायल की तबीयत खराब हो गई है। पायल को वार में नहीं है, हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है हमें उसकी। क्या हो गया? अरे एकदम से दर्द होता ना, हो गया। तो भाई जितनी ज्यादा धुंध हो गई है मतलब लोग दिख नहीं रहे। मोली रतन और रात के 12:30 बज गए। पाल जी को सो रहे हैं और मुझे भूख लग गई है भाई, सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर में से मैंने दाल निकाली है और दाल निकाल के चावल डाल के और साथ साथ जो पायल ने बनाई थी चटनी वो डाल के खाने वाला हूँ। भूख लगी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मेरा माल हो गया तैयार, मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था। मैं बोला मैं सो रहा हूँ, तो एक दो घंटे सोया, उसके बाद मुझे भूख लगी, मैं उठ गया। कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ, 5:30 बजे भूख लगी थी पर खाने कुछ था नहीं तो मैं रनिंग पे चला गया था। यहाँ पर ना सूरज भाई सो रहे थे, सूरज भाई को मैंने भेज दिया होटल के रूम में, क्योंकि ना सूरज भाई इतने खतरनाक खराटे लेते हैं कि पूरी वैनिटी हिल जाती है। भाई यहाँ पर 4 बज गए और पायल की तबीयत खराब हो गई है। पायल को ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। वार्मर नहीं पहना तूने? वार्मर नहीं है। चाय बना भी लग, चाय बना। तो अभी ना मैं पायल को ऊपर लेके जा रहा हूँ रूम में, क्योंकि यहाँ भी इसको मुझे लग रहा है ठंडी लग रही है। चल फिर इतना टाइम मत खराब कर, चीको खड़ा बैठा कर, चलो रूम में चलो ऊपर। तू कुछ पहन ले, बहुत ठंड है। चीको ये ले तेरी जैकेट, मैंने ऊपर पहन ली थी। फिर उतार दे तूने? ये इसको दूंगी ना, ये भी तो चलेगा, मैं कंबल ओढूंगी। चल फिर आ जा। और बता दिया करे यार पायल, थोड़े से जुकाम है तब भी बता दिया करो, मैं किसके लिए मर रहा हूँ, दिन रात काम किसके लिए कर रहा हूँ ये। हाँ जी, कि नींद खराब हो जाएगी। अब जैकेट पहन लो, पहन लूंगा मैं, तू चल बस। सूरज भाई को मैंने यहाँ बुला लिया था, होटल वाले क्या कर रहे हैं? चाय 7 बजे के बाद मिलेगा जो भी चाहिए। तो एक काम करे इसके लिए ना लक्ष्य कुछ चला के ये दाल दुल गर्म करके ले, इसको भूख लग रही है। 4:15 हो गया गाइस, तो बाहर का माहौल का बाहर को हवा नहीं चल रही तेज। सर में अचानक से दर्द हो रहा है भाई, हवा में आना उड़ता हो तो भी ध्यान रखो भाई, बीमार होगा ना दिक्कत हो जाएगी। अभी एक दो से ऐसे उठा घूम गया सर। पाल यही खा के चलना है, वहाँ खाना यही खा लेती हूँ। ठंडी नहीं लगी से, कुछ हुआ ही नहीं भाई। तू बच्चा है ना, तुझे नहीं पता लगता, मम्मा को पता लगता है ना। मम्मा के एक दो ऑपरेशन हो चुके हैं, है ना, होता है। स्टेमिना भी बहुत है बच्चों में तो होता है। हाँ बच्चों में ज्यादा होता है बेटी, वो देखो उम्र भी होगी ना मम्मा की। गर्मी में तो मैं कहीं भी जा सकती। कोई बात नहीं, हम जयपुर वाली साइड चलेंगे फिर, ठीक है, वहाँ से कर लेंगे। गर्मियों में इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पापा हैदराबाद भी जाएंगे, बहुत फेवरेट जगह है। ठीक है बेटा चलेंगे। लक्ष्य के अंदर इतना ज्यादा दिमाग है, चावल और दाल एक साथ ही गर्म कर दिए, मिला के मिक्स कर गए ना। भाई ट्रैवल करना बहुत बड़ा स्ट्रगल है भाई, मजाक नहीं है ट्रैवल करना। वो तो अच्छा है बच्चे नहीं है साथ में गुड्डू, जो मेरे से नहीं हैंडल हो रही, बच्चों से क्या हैंडल होगी। अच्छा है घर पे छोड़ रखे बच्चे। मैं नहीं खा रहा भाई, मैं अभी फ्रेश व्रेश हूँ, मैं नहीं खा रहा, तू खा ले। ठीक। तो भैया अभी चीकू और पायल लक्ष्य को छोड़ने जा रहा हूँ रूम के अंदर, और मैं वापस आके कैरावैन में सोऊंगा। चले चलो आ जा चीकू, मम्मी के साथ कंबल में आ जा बेटा। बाहर ना देखेगा ना तू, चारों तरफ इतनी ज्यादा अंधेरा है, पूछ मत, और सर्दी बहुत ज्यादा है। चैन बंद कर ले सूरज, चैन बंद करिए भाई इसकी। तो वाकई में भाई बहुत ज्यादा ठंड है, पूछो मत, मुझे लग रहा है -2-3 degrees होगा यहाँ पे। पायल मेरे को तो पता है, मेरी वजह से तो सारे उठे। कोई बात नहीं, चल चल आओ भैया फटाफट आओ। अरे अरे कहाँ फंसा दिया मम्मी ने चीकू। पापा मैं तो सही सोच रहा, अब जो मेरे को नींद नहीं आएगी। तो भैया यहाँ पे मैं पर्दे कर रहा हूँ, थोड़ी सी ठंड पायल को ना लगे। बेटा पहन ले फिर, बन गई है दुखी। अरे मैं समान इतना भारी था वो कंबल, अभी भारी लगने लग गया, अब तक तो ठंड लग रही थी पायल को, अभी उतार दे एक मिनट में आके। सर्द गर्म ऐसे ही तो होती इंसान को। तो अभी देखो इसको इतनी ठंड लग रही थी, अभी फैशन कर रही है। फैशन नहीं कर रही गुड्डू, बाल झड़ रहे थे, मैं कॉम करके चोटी बांध दी है। डॉक्टर ने कहा था कि चोटी बांध के रखना। तो खुले क्यों रखती है? वो स्टाइल मारने के लिए होते हैं। तो भैया अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उठ के मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? अब पहले से भी जो तबीयत ना वो बेटर है, बस हल्का से हेडेक है। तो अभी जा रही हूँ, कुछ खाती हूँ और दवाई लेती हूँ फिर से। तो पायल मैडम की शर्त ये है कि भाई मुझसे ये वाली चाय नहीं पी जाएगी, मुझे वहीं पे चाय बना के दो, तो मैं बनाता हूँ दिल्ली चाय, ठीक है? मैं अंदर आराम करूंगी, आप चाय बना। ठीक है सर। मेरे को आगे लेके जाना ना, तो पहले मेरे को वार्मर दिलाना। तो वार्मर आगे से मिलेगा ना बेटा, यहाँ घास फूस में कहाँ से वार्मर खरीदूँ? तो यहाँ से निकल के जहाँ पे दुकान दिखी वहाँ रोक के वार्मर दिला के फिर आते। ठीक है, शर्त ये है इसकी।
चलो चाय बना के दे। तो भैया यहाँ पर मजेदार सी चाय बना देता हूँ पायल के लिए, मेरे हाथ की चाय पी के थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसी वंडरफुल चाय बना रहा हूँ, पीते ना हाथों हाथ ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, आपको तो नहीं पीनी काके? नहीं फोन फान ना ले जाए बस किसी का। अरे मेरा फोन का है। हेलो, केले लेके आए, खिलाते हैं। चीकू ऐसे तो खा जाएगा। यहाँ देखो वो बंदर बैठा और यहाँ पे संतरा रख दिया है। थोड़ी होता है ऐसे बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ। चीकू छील के रखना पड़ेगा, ऐसे छील के रख दे। ठीक है, तो डर क्यों रही है लक्ष्य? वो ऐसे आ रहा था, मैं डर गई। चीकू क्या पता संतरा ना खाए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, एक बार नहीं खाएगा तो किसी और को दे देंगे, वरना तो इसको खिला देंगे। आ जाओ बंदर देवता, इधर आ जाओ। ये देखो संतरे आपके लिए, जल्दी आओ। चीकू पीछे आ जाओ बेटा, अपने आप आगे ले जाएगा। तो गाइस फिर से केला मिल गया, तो उसको लेके चलते हैं। वो देखो गाइस कैसे खा रहा है, अभी और भी संतरे खाएगा वो। ऑरेंज खा रहा है, फटाफट आ जाओ पापा, वो ऑरेंज खा ले। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट में ना भैया एक मिनी व्लॉग बना दिया चाय का, वो देख लेना आपको दिख जाएगा। चाय मैंने ही बनाई है और व्लॉग लेना मैं भूल गया। तो गाइस इतनी जोर से मेरे को ठंड लग रही है ना, और चाय मुझे ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी बना दी है। तीन दिन में तो चाय चार बार चाय बना देती हूँ और इनकी एक बार चाय नहीं बनी है। अरे गुड्डू चाय बन गई क्या? अरे ला रहा मोबाइल, एक किलो चाय है, कोई दो ग्राम नहीं है। देख लो भाई बीरबल की खिचड़ी नहीं है, सुन रहा हूँ मैं सब बातें। चाय इतनी उबाल दिया मैंने, ऐसा लग रहा है रबड़ी भी रहे, रबड़ी। तो पायल मैडम चाय पी के बताओ कैसी है? चाय देख के बहुत अच्छी लग रही है, पीने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रही हूँ बहुत टेस्टी बनी होगी। कुछ खाना साथ में, ब्रेड व्रेड खाना? बहुत जबरदस्त मजेदार। तो गाइस मैं हो गया हूँ नहा धो के बिल्कुल रेडी, पायल जा रही है नहाने के लिए। हाँ भाई लड़की बिल्कुल, देखो मैं ऐसी गंदी से लग रही हूँ, आप हीरो लग रहे हो, और देखो मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, आपका कोट भूल गए थे आप। तो मैं वो तो आगे पहनूंगा ना, अभी नहीं पहनना, अब पहनूंगा। तो पहनो फिर, मैं जा रही हूँ। तो रात को तो लेडीज बीमार थी, मेकअप चल रहा है इसका, बताओ लेडीज कौन है? मैडम अभी तो ठंड नहीं लग रही आपको? ठंड तो है। तो भाई इसको अभी भी ठंड लग रही है और इसको अभी भी चाय चाहिए। आज मैंने बहुत तंग किया है, पहले चीकू पापा को गया, अब लक्ष्य को बोला चाय बना दे। मुझे ठंड की बिल्कुल आदत नहीं, मैं कभी ठंड में गई नहीं, जितनी बार भी लेके गए ना यही ठंड में लेके गया मुझे। तो गाइस हमें जाना था 31 तारीख को घर, और हम जा रहे हैं 30 को, और गोलू को पता नहीं कि हम आ रहे हैं, तो गोलू को जाके हम देंगे सरप्राइज। निकले फिर चल रहे, चले सूरज भैया? हाँ जी बिल्कुल, कहीं भी रास्ते में स्नैपचैट नहीं डालूंगा, कुछ मत डालना, पता ही ना चले हम निकल चुके हैं यहाँ से। वैसे भी ना गोलू को ज्यादा रस्तों का पता नहीं है, और जिसने अब तक मेरी स्नैपचैट आईडी फॉलो नहीं करी कर लो, क्योंकि ना व्लॉग एक दो दिन आगे पीछे होते हैं और मैं सेम डे की बहुत सारी चीजें डालता हूँ, वो फटाफट सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लो, ये मेरी आईडी है। तो गाइस आज मेरी तबीयत तो खराब हो गई थी, लेकिन मेरी तबीयत के साथ साथ ना हमने बिल्कुल सही समय पे सारा शेड्यूल हमारा फिक्स हो गया, और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करके घर भी पहुँच जाएंगे 4-4.5 घंटों में। तो बस घर जाके बच्चों से मिलना है, 2 दिन हो गए बच्चों से दूर हुए। तो गाइस मैं ये सोच रहा हूँ चटपट की दुनिया छोड़ के फ्रूट रखूँ और थोड़ा सा दिन में कार्ब्स खा लूँ, एक आधी रोटी, नहीं तो फ्रूट पे, नहीं तो ना हालत शक्ल और बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी ट्रैवल में। ये बात सही है। तो रस्ते में इतनी गंदी चाउमीन खा रही थी मैंने, जहाँ बताया था ना वहाँ खाना अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी ना हालत सी खराब कर दी, और मैं वापस गाड़ी में आ गया हूँ, थोड़ी देर लेट हूँ। गाइस अभी अभी क्या हुआ ना, चलती हुई गाड़ी में बहुत जोर जोर से ना मुझे आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर मैंने उनसे पूछा लाल भाई से क्या हुआ, क्या इन्होंने बोला कि रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं और चलती गाड़ी रुकवाई इन्होंने, जुर्माना होगा तुम्हारा सबका, सब 100-100 रुपए दो। पल तुझे कैसी आवाज आई थी? बचाओ बचाओ, बहुत जोर से आवाज आई थी, तभी तो मैं उठ गई, मैंने कहा कौन है ये बचाओ बचाओ कर रहा है, मुझे लग रहा है पोस्टर हटवाना पड़ेगा बस की बार से। भैया ने कहा ओवरटेक कर लिया था, ओवरटेक करके हमारी गाड़ी के आगे लगा दिया, पोस्टर हटवा दो। कई बार क्या ना, चलो अभी तो अच्छे हैं, कुछ ना बुरे लोग भी होते हैं, 100 तरीके के इंसान होते हैं सड़क पे चलते हुए, लगा भी दें ओवरटेक करके कोई बड़ी बात नहीं है, हमें लगेगा भाई सब्सक्राइबर है फैन है उतर जाए। वो तो शुक्र है हम अपने साथ 200-200 रुपए के अलावा कुछ लेके नहीं चलते। चीकू ने क्या सीन कर दिया था? अभी आपने बोला पायल ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, मैंने कहा ठंड लग रही है, फिर देखा ये लड़का यहाँ कुकड़ी बना हुआ सो रहा है, इसकी खिड़की खुली हुई थी, खिड़की इसी ने खोल रखी थी क्योंकि जो रास्ते में मैगी खाई थी ना उसे थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई, इसकी तबीयत खराब सी हो गई। वापिस वहीं आ गए जहाँ से गए थे, देखो ये हमारे भाई साहब, इन्होंने बोला था कि रुक जाओ यहीं रुक जाओ, हम दोबारा फिर हम यहीं रुक गए। हमें क्या सुनाई दिया, बचाओ बचाओ, नहीं सुनाई दिया। नहीं नहीं एक बात बताओ, देखो बेटा आज ना बच्चे थे ना
कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और हमें नहीं पता होता कुछ लोग इतने ख़राब होते हैं कि हम ना सोचेंगे सब्सक्राइबर है, फिर कुछ हम उतर जाएंगे रास्ते में, है ना, और कोई मिस हैपनिंग हो जाए, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ या फिर मेरी कोई टीम है, और फिर फोटो लेते हो बदतमीजी हो जाए कुछ, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हमने अभी देखा। एक्चुअली क्या आप लोग रोको रोको बोल रहे हो, पर हम सो रहे थे, सोते सोते ना आवाज आई, हम सोते सोते एकदम उठे, मैंने कहा गुड्डू को कह रहा बचाओ बचाओ, और हमारी जस्ट जैसे हम उठे हमारी गाड़ी के आगे तुम्हारी गाड़ी थी, तो एकदम गाड़ी रुक गई, कंप्लेंट कराओ। तो गाइस एक रात पहले हम लोग यहाँ रुके थे, स्काई हिल ढाबा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो यहाँ का सच में खाना बहुत अच्छा था, और जो अभी हम जहाँ से आ रहे हैं ना वहाँ पे जो हमने चाउमीन खाई थी, ओ माय गॉड, उससे जो सबकी तबीयत इतनी खराब हो गई, सबका पेट खराब हो गया। तो हमने बोला घर पहुँचने से पहले ना हम यहाँ रुक के खाते हैं पीते हैं, और इनका पीछे ना रिजॉर्ट भी है, पार्टी हॉल भी है, और उसी में हम जो है रॉड को स्टे करा, हमारी टीम ने स्टे करा था, जो हमने बोला था हमारी टीम को हमने रूम लेके दिया है, तो पीछे लेके दिया था। तो चलिए अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे, मैं सोच रही थी कि पोहा चाय बनाऊँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार ठंड बहुत ज्यादा है, पेट भी खराब है, तो मैं ये स्किप कर देती हूँ पोहा चाय, तो हम यहीं कुछ खाते है, पीते और निकलते। अगर आप भी इस रोड से जा रहे हैं ना तो यहाँ पे जरूर वेट करना या ट्राई करना खाना, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। देखो नशे की हालत में आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ पर हो, और अगर ये इंसान पूरी रात रोड पे ऐसे बैठा रहा ना तो समझ लो कि सुबह तक ये बचेगा नहीं। तो उसके पास फोन भी है, तो हम सोचे इसको फोन उसके घर वालों कर देते, हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है हमें उसकी। अब देखो इसको पता ही नहीं है कि इसका फोन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। हेलो हेलो, शराब पी रखी है बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ लग रहा है कोई और नशा भी कर रखा है इसने। अब देखो अगर कोई और होता और नशे वाला होता तो फोन तो गायब था ही था। सूरज एक काम कर भाई, इसको उसको उठवा के ना अंदर ले जाए, ये तो मर जाएगा पूरी रात यहाँ हुआ। तो इसको पता ही नहीं है कि मेरा फोन किसके पास है किसके पास नहीं है। तो भाई तुमने मत पिया करो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होती है, फोन भी ना बंद है इस टाइम, घर वाले को चिंता नहीं होगी नया साल वैसे आ रहा है। रात को अगर ये यहाँ रहा और माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, भगवान ना करे इसको कुछ हो जाए, इसकी फैमिली वेट करती रहे। क्या हो गया? अरे एकदम से दर्द होता ना, हो गया। डॉक्टर बुलाऊं? अरे डॉक्टर वाला नहीं है, सबको होता है डॉक्टर, एकदम से ऐसे नहीं होता जैसे अटैक सा आ गया, होता नहीं कभी। जब कैसे चलता है अचानक ही? तो वो गैस वैस का हो जाता है। बुला रहे जाते हैं। तो सच में एक बात बताने वाला हूँ, जाते हुए भी हमने यहाँ से खाना खाया था और आते हुए भी हमने यहाँ से खाना खाया, ऐसा लग रहा है कि हमने घर पे खाना खाया, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मतलब सूरज भाई के सूरज भाई सैंडविच खा के निकले, क्योंकि हम एक वीडियो बना रहे थे बहुत जबरदस्त, तो बीच में भूख लग गई थी, हमने सैंडविच मंगा ली। चलो अभी हम जाके भैया सीधा देंगे गोलू को सरप्राइज, और रात को काम करें गोलू को थोड़ा सा ग्यारह बजे घुमा के लाए। ठीक है, आपको पता है मैंने फोन लगा दिया था चार्ज पे, और पिछली बार क्या हुआ था मेरा फोन रह गया था, इसमें मैंने सबको बोल दिया, मैंने कहा अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना मैंने फोन चार्ज पे लगाया। फोन चार्ज पे रहा है। भैया ये जानी पहचानी जगह है, बहुत टाइम से आप देख रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं, घर आ गए। गोलू को लग रहा था कि हम 31 तारीख को आएंगे, हालत खराब हो गया हमारी लड़की की, मैगी मुगी खाती है ज्यादा, कुछ भी चटपटा दिखे तो पेट भर लेती है। तो गाइस इतनी ज्यादा धुंध हो गई है, मतलब लोग दिख नहीं रहे। ट्रॉली वगैरह खाली करके ना गर्मियों के कपड़े घुसाने हैं, क्योंकि गाइस अब सर्दी में बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे गर्मियों वाली जगह पे। यस यस यस, बच्चों से मिलना है। पायल मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ से ज्यादा ठंड जाए। गुड्डू पता क्यों लग रहा है ऐसे? हाँ। क्योंकि हम लोग बस में थे ना, तो बस जब हम कल जहाँ पे थे, जहाँ हम रुके थे रात को, हमने नाइट आउट किया था, वहाँ पे कम लग रही थी, यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोनों साइड ओपन एरिया है, इसलिए ज्यादा ठंड है, इसलिए बच्चे वाली बातें कर रही है, वहाँ तो सारा ही ओपन था पायल, फिर क्यों है यहाँ पे इतनी ठंड? मुझे नहीं पता, यहाँ का टेम्परेचर चेक कर लग रहा है मुझे। तीनों छोटे बच्चों को गर्मी में लेके चले जाओ गुड्डू, पापा हैदराबाद चलते हैं, हैदराबाद हां ले जाओ यार, दो मिनट इसको ही छोड़ दो। मारूंगी तेरे बहुत आराम से, चलो आराम से, शोर में देखते तुम कहाँ पे, आराम से ठीक है, हाथ मत लगा, नहीं लगा रही मैं हाथ।
शिंडू कैसे आ रहा बेटी? बिप तो नई नई सी लग रही है आज सबकी। हाँ सुंदर है। अंदर आते ही एक अजीब सी खुशी मिलती है बच्चों के साथ कि हाँ यार इन्हीं के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तू भी बेटी कैची है जानू। तू मैं हूँ बेटा पापा जिसका तू रोज दिन रात नाम लेता पापा 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 से तो मिल ले एक बार आके। लो लो आप भी ले लो। कुकी ठीक है तू भाई का है ठंडा बहुत ठंडा पापा पापा ओहो पापा खाना का खाना मम्मा खाना बना देते तेरे लिए। गोलू ओए मैंने इसको बोला ना पापा लक्ष्य गोद में था एक मिनट में आ गया मेरे पास। आए थे क्या है? आए हैं पापा आए हैं। बुरा हाल हो गया कल वाला व्लॉग देखेगी ना तू। पायल की हालत पता है ऐसी हो रही थी पूछ मत। जब गर्मी होगी तब हम जाएंगे ठंड में और जब ठंड होगी तब हम जाएंगे गर्मी में। अच्छे लग रही थी। हाँ बहुत सुंदर लग रही। आज तो मेरा बहुत बुरा दिन था। क्या हुआ? पता नहीं आज मेरे से इतनी सारी चीजें हो ही जा रही है। आज मेरे दो बार तो हाथ जल गया। हाँ। गैस के पूरा ऊपर यहाँ पे हाथ जला हुआ है। फिर उसके बाद मैं सुबह को वॉक लेने गई वो सही नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे गिर गई। आज मेरे को बहुत चोट लग रही है सुबह से। तुझे दिल नहीं लग रहा घर में चिंता होती है? आज मेरे को चोट पे चोट लग जा रही है। कोई बात तो दिल नहीं लग रहा पाल की। हाँ मैंने बोला था मैंने कहा पाल की होता ही ना घर में किससे बात करूँ। अच्छा हमारा प्लान था निक्की को छोड़ के गया। निक्की बोलती नहीं। हमारा प्लान था 31 तारीख शाम को आने का पर मैंने क्या बोला मैंने कहा नहीं घर चलो बच्चों के पास नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा इनका दिल नहीं लग रहा। चीकू ने कुछ एंजॉय नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई। भाई तुम दोनों एंजॉय करते हो आपस में मैं तो ड्राइवर हूँ कहीं। ऐसे मत बोलो। ये लो आपकी तबीयत जा दूं मेरे को भी दो एक बार पीलो आंख बंद कर मीच के आपको भी दूं अभी नीचे उतरने की कोशिश करता है। हाँ टिकता नहीं है गोदी में। आ मैं बेटी आ छोटी और खाना खा लिया तुम? खाना खा लिया इसको फेंक दे। ऐसे पागल नहीं बनते बच्चे आजकल के। क्यों बोला ना चिड़िया कोई चिड़िया नहीं आएगी घर में। कहाँ से चिड़िया आएगी ले बेटा ये रही चिड़िया। वो दे क्या हो गया बेटा क्या मिल गया तुझे? दादा। कहाँ दादा? दाई दाई दाई। कहाँ दादा? ना कैमरा नहीं पकड़ना। डियर यार मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू मी गॉड ब्लेस यू। बोलने तो दे मम्मी को तो बोलने दे। अच्छा आप आ गए। हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ घर पे हूँ आप ठीक हो? आपको हैप्पी बर्थडे खुश रहो और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। नहीं नहीं आपकी उम्र नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ ना 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 बच्चों की उम्र माँ बाप को नहीं चाहिए। माँ उनको पता है ना मेरी दो बेटियाँ हैं। लंबी उम्र हो। हाँ आप आ गए? हाँ जी मम्मी आ गए घर। दिल ही नहीं लग रहा था बच्चों के बिना। तो अगर बात की जाए तो 100 सब्सक्राइबर की कमी है और पूरे होने वाले हैं 6 मिलियन। और ये भी देखो ना कि घर आते ही हमारे 100 मिलियन हो गए। हाँ बिल्कुल घर पहुँचते ही जस्ट कितने बचे भैया? 91। तो मैं पायल को कह रहा हूँ कि ना गाड़ी पे से ना जो फोटो है बच्चों की और पूरी फैमिली की बतानी पड़ेगी। क्यों क्या हो गया? पायल बताइए। ओवरटेक कर लिया था जो गाड़ी। नहीं आज मुझे ना मैं ना व्लॉग के कमेंट पढ़ी थी मुझे कमेंट भी आया था कि फॉर योर सेफ्टी ना आपको ये सब हटाना पड़ेगा। एक कमेंट भी आया था मैंने सोचा आपको बताऊंगी पर कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम वही ना बातें रह जाती थी। हमारी गाड़ी के आगे ओवरटेक करके गाड़ी आ गई यार क्योंकि सबको पता है ना कौन है। सेफ्टी तो जरूरी है। एक काम करता हूं फोटो हटवा देता हूं सिर्फ मलिक व्लॉग लगवा देता हूं। हां वो ठीक है। इन्होंने बोला शेर भी आ गया था रात को। हाँ, शेर इसकी हालत खराब हो गई। शेर नहीं जाग गई थी रात को। बहुत हालत खराब थी इसकी। ठंड यार ठंड है। देखो मैंने पायल है ना कमजोर हो चुकी है ना इसलिए। तो गाइस बस कुछ पलों बाद यहाँ पे 6 मिलियन होने वाले हैं। 6 मिलियन होने वाले हैं बच्चों। और ये कवर किए हैं मतलब 1 मिलियन 22 दिन में। 22 दिन में 1 मिलियन मतलब 22 दिन में खुश हो गए। आपका प्यार है भैया हमारे दादा दादी का प्यार है माँ बाप का प्यार है। हाँ भाई क्या हो गया? बच्ची रो रहे हैं ना सारे। पूरा कश्मीरी बन गया तो क्या हुआ? तू भी मेरी बेटी पाली ये सॉलिड लड़के इसको टूर पे ले जा इसको ले चलूंगी साथ। कह रहे हाँ आपको एक खुशखबरी और दूं इसके 2 दांत तो आए थे नीचे और इसके ऊपर के भी 2 दांत आ गए। तू भी चक मारी बेटा ऊपर की भी आ गई। सुनो यहाँ की भी आ गई। देखो गुल्लू हाथ नहीं लगाते माँ हाथ लगाते सो बच्चों को टेढ़ा मैंने ऐसे करा तू आ गई।
अच्छा डाल दिया चंद पलों बाद 6 मिलियन होने जाएंगे। बोलू जल्दी आ, 20-22 की कमी रहेगी। गिन लियो पहले आके 20 है के 22 है। बोलो एक बार आके देखियो, एक बार आके देखियो 1000 कम है या फिर 100 कम है। 20 कम है पक्का। हाँ 20 अभी मेरे हिसाब से 80 ना 82 83 84 85 86 87 88 90 8 10 18 16 कम है 16 यार तुमने तो खून पी लिया 16 कम है 16 तो भाई 15 सब्सक्राइबर की कमी और फैमिली बड़ी होती जा रही है। जैद बस अब देखना बेटा 6 मिलियन हो जाएंगे। ये आपके पास आना जाता है? ले तो लूं, मैं कैमरा चला रहा हूँ, इसको दे दे, मैनेजर को दे दे। गाइज ये आदमी आपको दिखता रहता होगा, जैसे आपको हर संडे और मंडे दिखता है वैसे ही दिखता है। हाँ तो बस 6 मिलियन होने वाले हैं। बाबुलाइजा होशियार, 4 2 6 मिलियन हो गए। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो 6 मिलियन कितनी देर तक रहे हैं, ये देख, ये देख बोलू। ओए अब तो 6 मिलियन आप आएगी। वाह, तो थैंक यू सो मच गाइस। एकदम चिल्लाया ना। अरे यार हमारे घर में पूरी रामायण है यार, इतने सारे लोग है ना। हाँ मैं धीरज रंजी, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से, सब दाल चावल खाओ और सो जाओ। बट अपने बटर वाली रोटी भी मंगवाई है। अच्छा डॉक्टर ने मुझे बार बार बताया कि बच्चे कभी भी रोए ना उनका माइंड डाइवर्ट कर, चुप हो जाएंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।